छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा के अंतर्गत आने वाला थाना चौरई में थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे छिंदवाड़ा जिले में हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हम सभी को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने बताया कि हेलमेट लगाने के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से समझाइश दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि हम सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी और हम सभी सुरक्षित रहेंगे। थाना प्रभारी ने कोरोना का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की है कि जिस प्रकार कोरोना को भगाने में सभी ने मास्क का उपयोग कर विशेष ध्यान दिया था, ठीक उसी प्रकार सभी लोग हेलमेट लगाएंगे तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। और जानकारी में थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा जी ने बताया कि जिन जिन लोगों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है, उन मृतकों के परिवार से लोगों को हेलमेट लगाने की गुजारिश की गई है, ऐसा बताया गया है। एवं थाना प्रभारी और चौराई पुलिस स्टॉप ने लोगों से हेलमेट लगाने की अपील की। राकेश राजपूत, मेरे पापा जी, पिताजी बाहर से चले आ रहे थे सफर करते हुए, शायद उन्होंने हेलमेट लगाया होता तो उनके सर में चोट नहीं लगती, लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, इस कारण उनके सर में चोट लगी और उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। जब से 1.5 साल करीब हो गए हैं उनके जाने के बाद, मैं भी हेलमेट लगा रहा हूं और मेरी चश्मे की छोटी सी दुकान है, और जब से मैं लोगों को यही दे रहा हूं कि हेलमेट लगाएं और मैं भी हेलमेट लगा करके सफ़र करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रोड में जो व्यक्ति चल रहे हैं मोटरसाइकिल से, फोर व्हीलर से, सभी सीट बेल्ट लगाएं और मोटरसाइकिल में जो चल रहे हैं सभी हेलमेट लगाएं। पुलिस टू व्हीलर वाले को, फोर व्हीलर वाले को और सभी व्यक्ति को तरह तरह के साधनों से जागरूक कर रही है कि हेलमेट लगाएं, बिना हेलमेट के रोड में कोई ना चले, जिससे दुर्घटनाओं से बचाया जा सके और अपनी सुरक्षा की जा सके। जिला ब्यूरो गजानन बोरकर के साथ राजेश उइके, BCN न्यूज़।